सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम खेल रहे क्लासिक मैच सोलो वर्सेस सोलो। और सोलो वर्सेस सोलो में होता है कि आप सभी को पता ही होगा, अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, सोलो वर्सेस सोलो में कुछ ऐसा होता है, हम अकेले रहेंगे, सामने भी अकेला बंदा रहेगा, हमें कुछ इस प्रकार से खेलना होगा उस अकेले बंदे को मारकर बोया ले पाए। तो गाइस चलो देखते हैं हमारा बोया हो पाता है या नहीं। अभी हम उतर रहे रिमनाम वैली पर और हमारे साथ दो तीन बंदे इधर उतर चुके हैं, लेकिन मुझे मिल चुका है कार 98। और गाइस मैं रिमनाम वैली आज क्यों आया आप लोगों को पता है? क्योंकि इधर ब्लू जोन बना है, तो आप लोगों को पता है ब्लू जोन में तो M82 तो मिलना 100% चांस है, मतलब गारंटी तो नहीं बोल सकते लेकिन लगभग मिल ही जाता है। और यहाँ पर मुझे मिल गया है कट्टा। तो गाइस काफ़ी दिन हो गया M82B और AWM चलाए हुए, तो गाइस काफ़ी दिन हो गया हमें स्नाइपर नहीं चलाए हुए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं थोड़ा सा गेम में इनएक्टिव था, उतना ज़्यादा गेम खेल ही नहीं रहा था भाई, स्नाइपर भी मैं नहीं चला पा रहा था और मेरा थोड़ा सा गेम प्ले भी बिगड़ गया है। तो हम सुधार लेंगे गाइस, थोड़े दिनों में सुधर जाएगा। और नीचे एक बंदा आ रहा है भाई, इसको क्या करें, अभी उधर भी बंदा इधर भी बंदा, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर लैंड माइन लगा देते हैं। यहाँ पर अगर लैंड माइन लगा दूंगा तो उस बंदे को दिखेगा नहीं कहाँ पर लैंड माइन लगाए, तो वो ऊपर आने में पूरा डर जाएगा, इस साइड से भी डरेगा उस साइड से भी डरेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया और उसको स्नाइपर में मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम था भाई इसका, मैं भूल गया यार भाई, लैंड माइन लगा दिया भाई। कते यार मैं तो नाम ही भूल गया था भाई, क्या सीन हो गया भाई। भाई वहाँ पर एक बंदे को मैंने एक शॉट तो दिया है और इधर आ चुका था मैं रिलोड करने के लिए, और बंदा देख सकते हो आप बोट के नीचे छुपा है, और भाई इसको नहीं लगा भाई, क्या हो रहा है भाई, इसमें क्या सीन है भाई। कार 98 एक 20 शॉट कनेक्ट, और इसके साथ ही मतलब जो है शॉट कनेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन लास्ट में अच्छा शॉट कनेक्ट हुआ, बंदा मर ही गया। तो अभी आपको पता है नीचे एक बंदा है तो उसको मारने चलते हैं, वो अभी तक ऊपर नहीं आया है, तो चलो अभी हम चलते हैं नीचे। तो भाई उसको मारेंगे कतई, छोड़ेंगे नहीं भाई, हमारे पीछे पीछे आने की उसने गुस्ताखी की कैसे, तो भाई छोड़ेंगे नहीं। चलो इधर ढूंढते, इधर बंदा नहीं है, इधर से भाग चुका है कतई चिमकांडी, स्नाइपर M1 इसको उठा लेते हैं क्योंकि हमें काम पड़ सकता है इधर। तो मतलब जो है वो नीचे नहीं गया होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है वो बंदा मैं जिसको मार रहा था वो बंदा उधर ही था, अगर इधर का बंदा जो उधर जाता तो वो बंदा इसको डैमेज दे सकता। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे आई होप। तो चलो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर मुझे ये मिल गया, इस गन का नाम अभी तक मुझे पता नहीं है भाई, पता लगाना पड़ेगा भाई, ये गन का नाम क्या था यार, लॉन्चर तो दूसरा होता है ये नहीं, और इस घर में अभी तक मतलब नहीं आया है, क्योंकि इधर आता तो यहाँ पर लूट हो चुका होता, तो यहाँ पर अभी तक वो लड़की है या भाई लड़की है, लड़की ये लड़की अभी तक नहीं आई थी। तो यहाँ पर ये बॉट है क्या, लगता तो वैसा ही है, क्योंकि भाई अगर प्लेयर होता तो ये बंदा ऐसे नॉर्मल रिएक्ट नहीं करता, देखो आप इसका हरकत देखो पूरा बॉट जैसा है, और यहाँ पर गोली भी नहीं मार रहा है, ये बॉट है भाई, इसको हेड शॉट मारते हैं थंबनेल बन जाएगा, मैं बोल ही रहा था भाई क्या खतरनाक डैमेज दिया भाई, इसको हेड शॉट मारने के चक्कर में मेरा हेड फूट जाता भाई, मैं कतई बच गया सच्ची बता रहा हूँ यार, ये तो प्लेयर है यार कतई चिमकांडी साली भाई, स्त्री आप लोगों को पता है ना स्त्री कुछ भी कर सकती है, इसलिए बच के रहना चाहिए भाई साहब। तो गाइज अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, गाइज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है? तो गाइज इतना काम कर दो यार, नहीं करते हो मुझे दिल से बुरा लगता है भाई। तो अभी हम इधर से निकलते हैं, यहाँ पर जो है बंदा ख़त्म हो चुका है, और उसके पास जो है जिसको मैंने स्टार्टिंग में मारा था उसके पास M82B है मुझे लगा, जैसा कि मैंने बोला था आपको M82B है उसके पास। तो अभी चलते उसको देखते हैं M82B है कि नहीं, अगर होगा तो हम M82B उठा लेंगे भाई, और M82B छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, कतई खतरनाक गन है वो तो भाई, ग्लूवाल अगर लगाते, अगर आपके पास ग्लूवाल है और इनिमी के पास M82B है तो आप ग्लूवाल लगाते रहो वो फोड़ता रहेगा, आप लगाते रहो वो फोड़ता रहेगा, तो ऐसा सीन होता है M82B में। तो भाई इसीलिए मुझे M82B बहुत ही खतरनाक लगता है भाई, अगर आपके पास हैकर कैरेक्टर है, मतलब उस कैरेक्टर का नाम मुझे पता नहीं है, वो हैकर कैरेक्टर जो है, तो अगर इनिमी को आप एक शॉट चिपका दोगे वो ग्लूवाल लगा के बैठ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा वो इधर है, और M82B से चिपका दो ख़त्म, तो इसलिए मुझे बहुत मस्त लगता है M82B। तो अभी चलते हैं M82B उसके पास ढूंढते, अगर होगा तो ले लेंगे M82 भाई, कतई मस्त बने वो। तो गाइस आप यहाँ पर हमारा 2 किल हो चुका है, तो आप लोग डोंट इस कर रहे हो, यहाँ पर अभी तक 15 बंदे ही अलाइव है गाइस, यहाँ पर मुझे तो M82 मिल गया और बंदे देखो 15 बंदे अलाइव, मतलब मेरे को निकाल दो इसमें से तो सिर्फ 14 बंदे अलाइव है भाई, ये तो अजीब मैच चल रहा है भाई, क्या सीन हो गया, सभी बंदे कहाँ गए, बैक कर लिए क्या भाई, भाई मेरा अभी तक मैं रिमनाम वैली से निकला भी नहीं हूँ और बंदे सभी ख़त्म। और एक सेकंड गाइज यहाँ पर आगे एक बंदा है इसको ले लेते, हमारे पास M82 भी है
और मैं भाई हेड लेने की कोशिश कर रहा था, भाई मेरा अच्छा खासा थंबनेल निकाल जाता, कतई चिमकांड यार हेड लेने नहीं दिया इसको पता चल गया और पिछवाड़े में मैंने गोली घुसा दी और इसको कतई दर्द हो रहा है भाई, इसके लिए सॉरी यार, जाके मलम वलम लगा लेना। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, अभी देख सकते हैं आप 13 बंदे ही आलाए भाई, कतई बंदे मरे मरे जा रहे हैं भाई, क्या बताओ। तो यहाँ पर इसके पास जो है ज़्यादा खास कुछ नहीं था, ग्लोअल वगैरह कुछ भी नहीं था, मैंने ठीक से चेक भी नहीं किया, मुझे पता भी नहीं है, चलो इसे ही चेक करके निकलते हैं क्योंकि सभी बंदे मर रहे हैं भाई, जल्दी निकलना होगा क्योंकि हमें भी किल चाहिए तभी तो वीडियो बनेगा, नहीं तो यार मतलब घटिया वीडियो बन जाएगा यार। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ एक बात, आप लोगों को पता है, आप लोग अमित भाई का वीडियो देखते हो तो आप लोगों को पता होगा, अमित भाई ने एक चैलेंज दिया था सभी को कि चैलेंज कुछ ऐसा था कि 0 किल, नहीं 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 1 किल करके बोया कर लो। तो गाइस ये चैलेंज जो था ये तो मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट चैलेंज है, तो गाइस सभी लोगों को बोला था ये चैलेंज करने के लिए, तो गाइस क्या करूँ मैं, कर लूँ ये चैलेंज, ये करके यूट्यूब में डाल दूँ? तो गाइस अगर आप लोग कमेंट करोगे ये चैलेंज करने के लिए तो मैं करके वीडियो, इसका चैलेंज करके वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ पर से निकलते हैं, और ये चैलेंज मेरे लिए क्यों थोड़ा सा इजी लगा है क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं ज़्यादातर किल करता नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे ये चैलेंज इजी लग गया, और कहीं पर भी छुप जाएंगे लास्ट एक वनडे को टपका डालेंगे भाई, कतई वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक भी बंदा मुझे नहीं मिला, लूट बॉक्स तो चारों तरफ था लेकिन बंदा ही नहीं था। तो अभी हम चलते हैं क्लॉक टावर में, तो भाई वहाँ पर टाइम वाइम देखेंगे और बंदा आएगा तो उधर ठोक डालेंगे, तो मतलब मिलेगा तभी ठोकेंगे, नहीं तो वैसे नहीं मिलेगा तो कहाँ से ठोकेंगे। तो गाइस अभी हम क्लॉक टावर पहुँचने वाले हैं, हम रास्ते में थोड़ा सा चाय नाश्ता करने के लिए रुक गए थे, मतलब रुके नहीं थे, वैसे आ ही रहा था, मतलब स्लो मोशन से आ रहा था हमें। तो यहाँ पर ये बंदा था क्या? नहीं था, तो चलो देखते हैं यहाँ पर बंदा। और भाई ये इधर अंडा ही अंडा है, मन तो कर रहा है अंडे का आमलेट बना के खा लूँ, लेकिन ये डेंजर जोन ऊपर आ चुका है, यही फ्राई करके खुद ही खा लेगा, हमको देगा नहीं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ क्योंकि भाई वो अंडे के साथ साथ मेरा भी आमलेट बना देगा, ये डेंजर जोन इतना खतरनाक है। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ और इस वाले घर में घुस के देखता हूँ टावर में कोई है कि नहीं, भाई टावर बहुत ही खतरनाक है, उसमें से बंदे छुप के बैठे रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा होशियारी करना ज़रूरी है। अगर यहाँ से मुझे दिख जाएगा तो थोड़ा सा खोपड़ी वोपड़ी फोड़ेंगे, तो नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं। तो अभी चलते हम यहाँ से, यहाँ पर टावर में बंदा नहीं है, तो अभी हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट फैक्ट्री की तरफ क्योंकि भाई कतई बंदा देख लगे हो आप लोग, 5 ही बंदे अलाइव है, मेरे को निकाल दो तो 4 ही बंदे अलाइव है, तो इसीलिए अभी चलते हैं फटाक से 1-2 किल उठाएंगे, नहीं तो 1 भी किल नहीं मिलेगा भाई। अभी तक थंबनेल के लिए नहीं बना है, मेरा किल ही अभी तक थंबनेल के लिए नहीं हुआ है, तो भाई कैसा किल करना चाहता हूँ मैं पता है, एक स्नाइपर का हेडशॉट मारना चाहता हूँ, तो भाई वो थंबनेल के लिए मस्त हो जाएगा। और 1 सेकेंड भाई ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, भाई मूत रहे हो क्या खड़े होके? भाई साहब इसको कतई खतरनाक वाली हेड मार दिया मैंने यार। और इसी के साथ हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है गाइस, कतई ओपी वाला थंबनेल। तो चलो गाइस यहाँ पर मेरा विश जो है वो पूरा हो चुका है, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर जो है ड्रॉप गिरा है इसको लूट ले। तो गाइस अभी तक आप हमारे वीडियो देख रहे हो तो क्या कर रहे हो गाइस, वीडियो को लाइक कर दो यार, छोड़ो मत यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, कतई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, दिल से बुरा लगता है यार, ऐसा मत करो। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है 4 किल, और भाई 4 किल होते ही बंदे सभी खत्म, 3 ही बंदे अलाइव है। और यहाँ पर मिल गया स्नाइपर, स्नाइपर मैंने क्यों उठाया, मतलब स्नाइपर तो पहले ही था, अभी मिल चुका है AWM। तो AWM मैंने क्यों उठाया पता है आपको, यहाँ पर जो अगर किसी भी बंदे को मतलब ठीक से शॉट कनेक्ट हो जाता है तो एक ही गोली में मर जाएगा, तो इसलिए मैंने AWM उठा लिया, लास्ट ही जोन है तो वहाँ पर M82 उतना काम का भी नहीं है। तो यहाँ पर बंदा नहीं है लेकिन अंडा है, तो अंडे का हमें कोई काम नहीं है, अभी निकलते हैं हम, थोड़ा सा बैठेंगे उधर टावर वावर में क्योंकि भाई एक मतलब 2 ही बंदे हैं, इस मैच को बुया करना है, लेकिन काफ़ी दिन हो गया है बुया नहीं करे हुए, तो इसीलिए भाई मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ एक मैच बुया करके डालूँ तभी तो मज़ा आएगा है कि नहीं। तो आप लोग देख रहे हो मैं भी एक बार भी मतलब छुप के नहीं खेल रहा हूँ, रस पे रस किए जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बंदा नहीं मिला, वो मेरी गलती नहीं है गाइज। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई तू छुप छुप के खेलता है इसीलिए किल नहीं किया, तो भाई किल से मतलब मत रखो, यहाँ पर हमारा 4 किल हो चुका है और मैं क्या करूँ यार, मैं रिमनाम वैली में ही था और सभी बंदे मर गए, तो मैं क्या कर सकता, मतलब क्या कर सकता हूँ है कि नहीं भाई, क्या हो रहा है आज मेरा जवान मतलब उतना कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर एक बंदा आया, मेरे ख्याल से इसके साथ टीम अप कर लेना चाहिए है कि नहीं गाइस, बोलो टीम अप कर लेंगे, अगर ये बंदा एक भी शॉट मुझे मारता है तो इसको भाई मेरे पास स्नाइपर है 1 सेकेंड में टपका डालूंगा भाई, मतलब बंदा टीम अप करेगा कि नहीं आपको क्या लगता है बोलो?
गाइस कमेंट करो जल्दी जल्दी जल्दी, ये बंदा टीम अप करेगा हमारे साथ? ओ भाई करेगा कि नहीं करेगा? भाई पेड़ का कवर ले लिया। ओ भाई कर रहा है कर रहा है, चलो ठीक है, बंदे ने टीम अप कर लिया कतई खतरनाक वे में। और गाइस आप लोग एक बात और कमेंट करो, ये बंदा जो है हमें धोखा देगा? इसको मेडिकेट दे देता हूँ पहले। मेडिकेट मैंने क्यों दिया पता है? मेडिकेट और एमओ, इस बंदे को थोड़ा सा मेरे ऊपर विश्वास हो जाए कि हाँ भाई ये बंदा धोखा नहीं देगा। और इसको मतलब मैं तो बैग भी देना चाह रहा था, लेकिन बैग के लिए सभी सामान निकालना होगा और मैं अभी नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये टीम अप करने वाले बंदों पर भरोसा नहीं है भाई। अगर धोखा दे दिया तो मेरे पास कुछ होगा नहीं, तो मैं इसको मारूंगा कैसे? अगर अभी धोखा देने के बारे में सोचेगा तो फटाक से ग्लू वॉल लगाऊंगा, साले का खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पर क्लॉक टावर। तो गाइस मेरे ख्याल से ये बंदा मुझे धोखा नहीं देगा, मतलब धोखा देना होता तो वो अभी तक उसके पास भी स्नाइपर है, मुझे चिपका देता वो। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। तो अभी मैं यहाँ पर, मेरा जो है ये चार्ज हो चुका है, जो कि कोई काम का चीज़ नहीं भाई, कतई घटिया चीज़ है भाई, क्या ही बताऊँ। इसको वो उधर जा रहा था इसीलिए मैं इसको इधर बुला लेता हूँ, क्योंकि भाई नहीं तो वहाँ पर ये मर जाता, इसका खोपड़ी में गिरता तो ये मर जाता है। भाई यहाँ पर हमने क्या सोचा कि हम क्या मेडिकेट बैटल करते हैं, तो मेडिकेट मैंने सभी ऊपर ही छोड़ दिया, तो यहाँ पर मेरे साथ तो स्कैम हो गया। और इस बंदे के पास ऐसे मेडिकेट होगा तो भाई मैं मर सकता हूँ भाई, ये मैच भी हमारे साथ बुरा नहीं होगा भाई, कतई स्कैम हो गया हमारे साथ। और भाई ये क्या भाई, बंदा तो मेडिकेट लगा रहा था, मैंने कुछ किया भी नहीं और मेरा बुरा हो गया। भाई ये सीन के लिए लाइक बनता है गाइस, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नहीं भाई कल नहीं तो परसों भाषा वाला वीडियो आएगा। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।